एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11-in-1 फेस मसाजर ब्यूटी डिवाइस, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और जिन लोगों ने नया नया परचेज़ करना है और परचेज़ करने का सोचा है तो इन टूल्स के बारे में अगर आप लोग हैं परेशान के कौन सा टूल कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, और हम अभी इसमें मैनीक्योर पेडीक्योर में और फेशियल में कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो वीडियो में होगा आगे। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा गाइज। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच किया हुआ है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फेशियल्स, बहुत अमेजिंग अमेजिंग से फेशियल किट्स के बारे में रिव्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो जो लोग ऑलरेडी मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करके परचेज़ कर चुके हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग सलोन्स में जो फेशियल होता है इस तरीके का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। सो हमारे हाथ जो हैं हम थक जाते हैं फेशियल के दौरान, हम बहुत ज़्यादा देर तक अपने फेस पे मसाज नहीं कर सकते। सो उनके लिए ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत बेहतरीन सी डिवाइस है। सो यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग के साथ है, ताकि आपके इस डिवाइस में या इसके टूल्स वगैरह में जम्स वगैरह से भी ये सेफ़ रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेज में रिसीव हुआ है पिंक कलर के केस में, जहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट सेफ़ रहेंगे। सो जैसे केस के साथ एक मैनुअल भी दिया हुआ है, जिसके अंदर सारे के सारे डिस्क्रिप्शन मेंशन है किस तरीके से यूज़ करना है, इसके अंदर कैसे बैटरीज लगती हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और एक और ज़रूरी बात, जस्ट इनके टूल्स ही गीले होने चाहिए, ये पूरा प्रॉपरली आप इसे गीला ना कीजिएगा, वरना ये अगेन नेक्स्ट टाइम भी वर्क नहीं करेगा। सो जनाब, ये सारे टूल्स कहाँ और कैसे यूज़ किए जाएंगे सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हम डेमो की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट यू कैन सी इस क्यूट डिवाइस में 11 आपको टूल्स मिलेंगे जो कि आपको अटैच करना है इस डिवाइस के साथ। सो आप लोग देख सकते हो कि इस डिवाइस में ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, और आप ये यहाँ सामने इसको अटैच करेंगे। टूल्स को अटैच करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप उसे लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दो जो हैं ये ब्रश की तरह हैं, ब्रिसल्स इसके अंदर लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है। तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा देख लें कि अपने हिसाब से एक आप अपने फेस के लिए रख लें और एक अपने पैडी और मैनी के लिए रख लें, तो इस तरह आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऑन एंड ऑफ का और स्पीड कम और उससे ज़्यादा हाई स्पीड के लिए है, लाइक स्लो और हाई स्पीड दोनों इसके अंदर मोड्स हैं। और इससे इस तरह राउंड होता है ये और सर्कुलर मोशन में, और आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करता है। यहाँ मैं डॉक्टर डर्मा का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइस, इस तरीके से आप कोई भी क्लिनजर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग के पास ये अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके सर्कुलर मोशन में आप क्लिनजिंग कर सकते हैं और आप लोगों के हाथ भी नहीं दुखेंगे। सो आराम से अपने फेशियल को करें, किसी भी कोने में जाके बैठ जाएं और आराम से फेशियल करते रहें बिल्कुल रिलैक्स होके, और ये आपको सलोन से भी बेहतर रिज़ल्ट देगा। और उसके बाद मैंने वाइप ऑफ कर लिया है क्लेंजर, और जिन लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर लिया तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप लोग अपना मेकअप भी इसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर टूल दिया हुआ है, इससे हम फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। सो यू कैन सी कि ये मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है ओरिफ्लेम का। सो आप लोग इस तरह फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकते तो वो लोग इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं एज अ फाउंडेशन के लिए भी। सो ये है आप लोगों के सामने रिजल्ट्स फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट जो हमारा टूल है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये बॉल्स की तरह लगे हुए हैं, और ये टूल जो है 3-in-1 है, जो आपको मैंने पहले दिखाया है उससे जस्ट क्लिनजिंग कर सकते हैं आप, अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं और लाइक डीप क्लिनजिंग कर सकते हैं। लेकिन ये टूल जो है ये इसके अंदर जो उसके बॉल्स हैं वो भी रोल करते हैं, और ये भी इस तरह सर्कुलेट होता है, और ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे आपकी मसाज बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि ये आपके फेस की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे आपके फेशियल के रिजल्ट्स मज़ीद बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो जो लोग कहते हैं हमें बिल्कुल भी फेशियल करवाते हैं या फेशियल खुद करते हैं हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इस तरीके से मसाज आपके पास अगर इक्विपमेंट है, डिवाइस है, तो आप लोग ज़रूर इसे यूज़ कीजिए, और आप यकीन जाने आप ख़ुद अपने फेस को चेंजेस दिखेंगी डे बाई डे। सो ये बहुत बेस्ट है, इसके तीन काम हैं, आप इसे क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, आप इसे स्क्रब भी कर सकते हैं, और बेस्ट फॉर मसाज टू। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करने लगी हूँ वो इस मसाजर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है अगर आप लोगों ने अपना फेशियल प्रॉपर कर लिया है, मसाज कर लिया है, स्क्रब कर लिया है और क्लेंजिंग भी कर ली है, सो अब हमारे बारी है हमारे फेस के ऊपर
सूदिंग जेल अप्लाई करने की. सो यू कैन सी इसका जो टेक्सचर है वो कमाल का है, जेल फॉर्म में है और ये आपकी स्किन को करता है वाइटनिंग. और आपके जिन लोगों को सन टैन हो जाता है, जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं, उनके स्किन को मज़ीद करता है ब्राइट. सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा है. और इसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपने आफ्टर फेशियल या आप डेली भी इसे अप्लाई कर सकते हो, बट रात में करें ताकि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप लोग आराम से रात में कीजिए. अपने फेस पे अप्लाई करें और मसाज करें हल्के हाथों से जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता आपकी स्किन के अंदर. काफ़ी ज़्यादा मुझे DM रिसीव हुए थे कि टोमेटो जेल के बारे में रिव्यू शेयर करें, तो ये है सामने आप लोगों के. सो यू कैन सी कि ये मैंने अप्लाई भी करके दिखाया है. इस तरीके से अपने फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. और रिमेंबर दैट आप लोगों ने कभी भी इसको अप्लाई करके डायरेक्ट सन लाइक बाहर नहीं जाना है, लाइक दिन के टाइम कभी बाहर नहीं जाना है. इसे आप बेहतर है कि आप नाइट टाइम पे यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए. और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दूंगी. सो आप लोग ज़रूर उस पेज पे विज़िट कीजिएगा, पेज को कर दीजिएगा लाइक और उनसे प्रोडक्ट्स ज़रूर बाय कीजिएगा. सो गाइस, जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्पंज की तरह है, लाइक फोमिंग. इसमें ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर फोम लगाया गया है. सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है फॉर आइज़ के लिए. आप अंडर आइज़ पे जो आपके डार्क सर्कल जहाँ होते हैं वहाँ पर आप एज़ अ क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये आपकी लाइक मसाज करेगा आपकी आइज़ पर और डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा. जो हमारा टूल है जो कि आप लोगों को बिल्कुल से स्टोन जैसा लग रहा होगा, और इसका जो नाम है इसको कहते हैं क्रूड पॉलिशर, जो कि हमारी फिंगर्स के जो साइड्स पे हमारी डेड स्किन होती है, हमारी हील्स पे डेड स्किन जो होती है, हमारी जो हील्स क्रैक हो चुकी होती हैं, उन सब स्किन को डेड स्किन को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है. अब ये जो टूल है जिसके साथ तीन अटैचमेंट दिए गए हैं जो कि आप लोग बाद में इसे अटैच कर सकते हैं, इससे आपके जो फिंगर्स पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ये उनको रिमूव करने में हेल्प करता है. ये यहाँ के हेयर्स जो होते हैं थोड़े नाजुक होते हैं, ये विदाउट पेन आपके बालों को घिस देता है, जड़ से नहीं निकालता. नेक्स्ट जो हमारा टूल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे आप अपने नेल्स की शेप कर सकते हैं आफ्टर मैनीक्योर. सो ये बहुत आसानी से आपकी नेल की शेप कर देता है. नेक्स्ट जो हमारे टूल्स हैं वो एक जैसे दो हैं. सो नंबर वन इज़ कोर्स बफर और दूसरा है पोमिक एप्लीकेटर. सो ये दोनों के जो वर्क हैं वो सेम ही हैं ऑलमोस्ट. और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो वर्क ही नहीं करते, इसका एक्चुअली इसके ऊपर एक शीट लिखी हुई है, वो आपने इसको रिमूव करना है. और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है, आपकी जो डेड स्किन होती है आपकी हील्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके जो नकल्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है. लास्ट जो है हमारा ये अटैचमेंट है वो है क्रूड पॉलिशर. ये भी वही है जिस तरह अगर इसके ऊपर भी स्टोन लगा हुआ है, और अगर हम वो बड़ा वाला जो है अगर हम फुट के लिए यूज़ करते हैं तो हम ये अपनी फिंगर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली. हमारे जो जिस तरह फिंगर्स हमारी बड़ी पतली सी होती हैं तो उसके कोने पर हमारे क्यूटिकल्स वगैरह जो होते हैं उन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है. आई होप कि अब आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अबाउट ये टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं. सो अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कीजिए. और ये जो डिवाइस है ये बाय करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.